हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति और मेरे किचन में आपका स्वागत है। और आज की हमारी जो रेसिपी है वो है पास्ता मसाला। और आइए अब इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ हमने 3 मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, 2 मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, 1 बड़े साइज़ का शिमला मिर्च लिया है। और आइए अब रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ हमने कढ़ाई में घी गर्म होने के लिए रख दिया है और दूसरी ओर हमने पास्ता उबलने के लिए भी रख दिया है। और जब तक कि हमारा पास्ता उबल रहा है, हम अपनी बाकी की तैयारियां कर लेंगे। जैसे हमें अपनी सब्जियों को फ्राई कर लेना है। यह हमारा घी गर्म हो चुका है, इसमें हम प्याज ऐड करेंगे। और इसे अच्छे से भुनेंगे। इसे हमें चलाते हुए अच्छे से भुनना है और इसे हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ 2-3 मिनट के लिए हमने इसे चलाते हुए अच्छे से फ्राई करना है। और जब हमारा प्याज अच्छे से पक जाए तो इसमें हमें शिमला मिर्च और टमाटर भी डाल देना है। और प्याज हमारा अच्छे से पक चुका है, अब हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च और टमाटर। इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। और अब इसमें हम टोमेटो केचप डालेंगे। हमने यहाँ मैगी का टोमेटो केचप यूज़ किया है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिला लेंगे और इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार। इसमें हमें ध्यान रखना है, सिर्फ सब्जियों के हिसाब से ही नमक को ऐड करना है। और इसे अच्छे से पका लेंगे। यहाँ हमारा सब्ज़ी अच्छे से पक चुकी है, इसमें हम पास्ता को ऐड करेंगे। इसमें देखिए हमने थोड़ा सा पानी को छोड़ दिया है। हमने इसमें पास्ता ऐड कर लिया है, इसे अच्छे से पकाएंगे हाई फ्लेम पे। इसे अच्छे से चलाते हुए पकाना है। और अब हम इसमें बटर डालेंगे और इसे भी अच्छे से पका लेंगे। इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि बटर मेल्ट ना हो जाए। और ये देखिए हमारा पास्ता अच्छे से बन चुका है, इसे हम सर्व कर लेंगे। यहाँ हमने पास्ते को सर्व कर लिया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो को शेयर करना ना भूलें और वीडियो पे कमेंट करना भी ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स।